हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उदय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। मैकेनिक्स की स्पेशल सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का न्यूटन या हमारा अच्छा टॉपिक एवं न्यूटन के नियमों की निश्चितता, अर्थात न्यूटन या रिलेटिविटी एंड इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। इससे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफी जानकारी ले चुके हैं, और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरियंट रहता है, अपरिवर्ती रहता है। उससे पहले हमने अलग अलग भौतिक राशियों के बारे में देखा था कि कुछ राशियां गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर बदल जाती हैं, वेरी करती हैं, लेकिन कुछ राशियां इनवेरिएंट रहती हैं, अपरिवर्ती रहती हैं। बदलने वाली राशियों में हमने देखा वेग, संवेग इत्यादि। अपरिवर्ती रहने वाली राशियों में विस्थापन, त्वरण, बल, ये राशियां शामिल थी। आज हम देखेंगे न्यूटनी आपेक्षिकता, न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या है, और न्यूटन के नियम किस प्रकार से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपरिवर्ती रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ये आज का हमारा अध्ययन सामग्री होगी, आज का हमारा कंटेंट होगा। आइए सबसे पहले है न्यूटन आपेक्षिकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी। तो अब तक के विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि भौतिकी के मूल नियम एवं सिद्धांत सभी निर्देश तंत्रों में अपरिवर्ती तथा समान होते हैं। अब तक जो हमने देखा उसमें हमने ये जाना कि जो मूल नियम है, जो फंडामेंटल लॉज है, वो सभी निर्देश तंत्रों में इनवेरियंट रहते हैं, समान होते हैं, उनका फॉर्म रहता है। किसी ऐसे निर्देश तंत्र जो एक समान वेग से गतिशील है में यदि कोई प्रयोग किया जाए तो उसके परिणाम एक स्थिर निर्देश तंत्र में प्राप्त होने वाले परिणामों के समान ही होते हैं। तो हमने ये देखा भी पीछे, हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखा। तो हमने ये देखा कि एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में जो रिजल्ट मिलते हैं वही रिजल्ट स्थिर निर्देश तंत्र में मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्थिर निर्देश तंत्र में जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं वही प्रयोग यदि एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में करें तो सेम रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे ये दो पॉइंट निकल जाते हैं कि किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में यह ज्ञात करना असंभव है कि उनका निरपेक्ष वेग क्या है, अर्थात किसी जड़त्व के निर्देश तंत्र में ये ज्ञात करना असंभव है कि उसका निरपेक्ष वेग क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है। दूसरा पॉइंट, दो जड़त्व के निर्देश तंत्रों में प्राप्त परिणामों की तुलना करके उनके मध्य सापेक्ष वेग ज्ञात किया जा सकता है। ये बात यहाँ से निकल के आती है कि हम निरपेक्ष वेग, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की खोज ना करें, ये तलाश हमारी पूरी नहीं होगी, हमें बात करनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, सापेक्ष वेग की। तो दो जड़त्व निर्देश तंत्रों के परिणामों की तुलना करके, कंपैरिजन करके हम उनके रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। इसी को न्यूटनी आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, यही न्यूटोनियन रिलेटिविटी थ्योरी है। अतः इसके निष्कर्ष के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि किसी कण या तंत्र के निरपेक्ष वेग या गति की कल्पना निरर्थक है, हमें ये खोज करनी ही नहीं चाहिए, ये खोज करना ही, ये प्रयास करना ही बेमानी है। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात है उसकी कल्पना करना निरर्थक है, केवल सापेक्ष वेग का मापन अथवा सापेक्ष गति की व्याख्या ही संभव है। तो
न्यूटोनियन आपेक्षिकता की थ्योरी है, जो ये बताती है कि निरपेक्ष वेग जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें केवल सापेक्ष वेग पर विचार करना चाहिए। तो ये तो बात हुई न्यूटोनियन रिलेटिविटी। अब हम अपने आज के अगले कंटेंट पर चलते हैं, न्यूटन के नियमों की निश्चितता, इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो हमने बहुत छोटी क्लासों में ये सुना है कि न्यूटन ने तीन फेमस नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के नियम कहते हैं, और इनके आधार पर हम पूरी हमारी डेली लाइफ की मैकेनिक्स को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज हमारा कंटेंट इसमें ये रहेगा, हमारी अध्ययन सामग्री ये होगी कि क्या ये न्यूटन के नियम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होते हैं या फिर वो एक समान रहते हैं। उचित सम्मत एवं सर्वसम्मति के आधार पर न्यूटन के गति संबंधी तीन नियम आमतौर पर प्रचलित हैं और इन्हें न्यूटन के नियम कहते हैं। पहला नियम, बड़े फेमस रूल है ये, आपने छोटे क्लास में कई बार पढ़े हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि किसी पिंड के विराम अवस्था में होने पर वह पिंड सदैव स्थिर ही रहेगा, जबकि उसके गतिमान होने की दिशा में वह उसी दिशा में उसी वेग से तब तक गतिमान रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो छोटे कक्षाओं में हमने इसको बड़े अच्छे से कई बार याद किया होगा, इस स्टेटमेंट को, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही बना रहेगा, और यदि वो गतिमान है तो उसी दिशा में उसी वेग से तब तक गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब क्या है, यदि बाह्य बल F बराबर 0 तो त्वरण A बराबर 0, क्योंकि M तो कॉन्स्टेंट है यहाँ, फलस्वरूप वेग या तो 0 या 1। न्यूटन के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित कार्यकारी बाह्य बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए हमें। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है, अर्थात एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, संवेग में परिवर्तन की दर dP by dt। यदि P बराबर एम भी रखें तो चूंकि एम तो कॉन्स्टेंट है हमारा यहाँ, तो एम डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन, सो एफ इक्वल टू एम ए। तो बल क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, जहाँ ए पिंड का त्वरण है और पी उसका रेखीय संवेग है। न्यूटन के गति संबंधित तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत व तुल्य प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यहाँ दो पिंडों के बीच प्रतिक्रिया बल F12 और उन्हीं के बीच प्रतिक्रियात्मक बल, ये क्रियात्मक बल और ये प्रतिक्रिया बल F21, ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन दिशा में। तो गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के गति संबंधी नियम निश्चर व अपरिवर्तित रहते हैं। विभिन्न राशियों के लिए, अभी हमने तीनों नियमों की बात की और इसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के गति संबंधी नियम निश्चर व अपरिवर्तित रहते हैं। तीनों जो नियम है ये भी अपरिवर्तित रहते हैं, निश्चर रहते हैं, इनवेरिएंट। तो विभिन्न राशियों के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में जैसे स्थिति रूपांतरण, वेग रूपांतरण, त्वरण, बल रूपांतरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आदि से प्राप्त परिणामों के आधार पर इसकी पुष्टि कर सकते हैं हम कि तीनों जो नियम है ये इनवेरिएंट कहते हैं। गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के नियमों की निश्चितता व अपरिवर्तनशीलता
करने के लिए हमारे द्वारा दिया गया ये विवरण एनफ है, सफिशियंट है, पर्याप्त है। इतनी सारी चीजें इनवेरिएंट रहती हैं, इसका मतलब न्यूटन के नियम भी इनवेरिएंट रहते हैं, पोजीशन इनवेरिएंट रहती है, वेलोसिटी, त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इनकी जो इनवेरियंस हमने देखा, इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम भी इनवेरिएंट रहते हैं। इससे ये बात निकल के आती है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, जिनमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य होती है, हमारे भौतिकी के सारे नियम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में निश्चय रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि हम हमारा कोई भी प्रयोग किसी स्थिर निर्देश तंत्र में करें और उसके बाद वही प्रयोग एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में दोहराएं, तो दोनों में रिजल्ट है वो सेम आएंगे, उनमें कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। यही है गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फिजिकल।